भरत जी को अगला जन्म हिरण का मिला, आपने पुलत्स जहां तप करते से शालिग्राम तीर्थ में तप किया गंडकी के तट पर। ये गंडकी जी नेपाल में बहती हैं, भारत का ही अंश, जहां से मिलने वाली शिला ही शालिग्राम शिला के रूप में संपूज्य होती है। संपूर्ण वैष्णवों के लिए शालिग्राम सदा पूज्य है, भगवत स्वरूप है। आज से 500 वर्ष पूर्व मेरे भी पूर्वाचार्य श्रीमान श्रीपद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज उसी गंडकी से शालिग्राम जी को लेकर श्रीधाम वृंदावन में आए, और जब हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा हुई तब उसी शालिग्राम जी से द्वादशांगुल भगवान श्री राधा रमण लाल जी प्रकट हुए। आपका अगला जन्म जड़ भरत का हुआ, जिसमें रहुगण नामक राजा को आपने उपदेश किया, जिस उपदेशों में भवाटवी का वर्णन, तामिश्र अंधतामिश्र रौरव महारौरव कुंभिपाक काल सूत्र असिपत्र वनम शूकर मूकम बट निरोधन पर्यावर्तन अष्टाविंशति नरका विविध यातना भूमय, ऐसे विविध प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। ये सब उपक्रम आए। रहु गणैत तपसा नयाति न चेज्जया निर्वशनात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। बिना महत्पाद जड़भरत रहुगण को कहते पालकी पर उठाते समय जब वो उनका तिरस्कार कर देता है, हे राजन देख, हे सौभीर देश के अभिमानी राजा देख, नीचे मिट्टी है, मिट्टी पर चरण है, चरण पर घुटने हैं, घुटने पर जंघा है, जंघा पर कटी है, कटी पर उदर है, उदर पर वक्ष है, वक्ष पर स्कंद है, स्कंद पर काष्ठ की पालकी है, और पालकी के ऊपर हे राजा तू बैठा हुआ है। ये सब मट्टी पर खड़ा है, मट्टी से बना है और मट्टी में मिल जाएगा। परंतु जब यही कोई मट्टी बिना महत्पाद रजो अभिषेकम जब किसी महापुरुष के चरणारविंद से संस्पृष्ट हो जाती है तब मट्टी नहीं बनती, रज बन जाती है। और अगर उस रज की एक कणिका भी कहीं उद्दैत्य होकर के केवल श्रीअंग के ऊपर ही निपतित हो गई तो प्रारब्ध का परिमार्जन कर देती है। जैसे मट्टी डालने से बर्तन मज जाता है, संत की चरण डालने से मन मज जाता है। और जब मन मज जाता है तब निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र जरिया। ये सब अपने को जानने का सब है भीतर। उंगलियां साधनीय, वीणा में पूरा संगीत है। उंगलियां भी हमारे पास है, वीणा भी हमारे पास है, तार भी हमारे पास है, बस थोड़ी सी उंगलियां साधनी सीखनी। जिस दिन उंगलियां साधनी आ गई उसी वीणा में से वो संगीत पैदा हो सकता है जो नर नहीं नटराज को भी नृत्य करा सकता है। हमारे पास वीणा भी है, हमारे पास तार भी है, हमारे पास उंगली भी है, बस किसी सदगुरु की कृपा हो जाए तो जरा उंगलियों को साधना आ जाएगा। बस इतना सही तो प्रभु।